हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आदि एंड अवि चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने लंच में एक बहुत ही डिलीशियस सब्जी बनाई है, जिसे मैं चाहती हूँ आपसे शेयर करना। वो है आलू चने की सब्जी। और ये नॉर्मली सभी बनाते हैं, लेकिन मैं जो बनाई हूँ और जो बनाती हूँ इसी तरीके से, ये अलग ही इसका रेसिपी है। और ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार ट्राई करेंगे ना इस सब्जी को, इस तरह से उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सीरियसली आपको मैं दिखाऊंगी कैसे मैंने बताया है। कुछ एक ट्रिक है जो आप यूज़ करेंगे। आलू चने की सब्जी तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन मैं जिस तरह से बनाती हूँ ये थोड़ा अलग यूनिक है। और मैं कभी कभी भी बनाती हूँ। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं जब भी बनाऊँ आपसे शेयर करूँगी। और इसको आप पराठे के साथ, चावल के साथ, बहुत टेस्टी लगता है, सच बताओ। चलिए आइए दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैंने चने को रात में भिगो दिया था, फिर आलू कट कर लिया। मसाले में मैंने यहाँ पे 3-4 लहसुन लिए हैं और अदरक काट के ले लिया है, 3-4 हरी मिर्च। आपको जितनी तीखी खानी हो, आप अगर लाल मिर्च खाते हैं तो लाल मिर्च आप रख सकते हैं। ये मैंने टमाटर भी लिया है पीस के, इसको ग्राइंड करके डालूंगी। इसमें मैंने ऑयल डाला, फिर इसमें थोड़ा जीरा डाल दिया है तड़के में। जीरा, साबुत जीरे डाले मैंने। उसके बाद इसमें मैंने तेज पत्ते डाले हैं, 1 से 2 तेज पत्ते इसमें मैं डाल दूंगी। और ये जो गरम मसाले हैं, मैं भूल गई थी, इसको मैं मसालों के साथ ही पीस लूँगी, ग्राइंड करूँगी। अब मैं गुड़े, जितने भी मसाले हैं, मैं इसे मिक्स करती हूँ। ये चने का आइटम है तो इसमें धनिया थोड़ा ज़्यादा मात्रा में हम देते हैं, तो 1 से 1.5 चम्मच धनिया दे दिया, जीरा दे दिया। और ये मेरी लाल मिर्च है, कसूरी लाल मिर्च, जो कलर लाती है। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप मिर्च डाल सकते हैं। मैंने साबुत एक मिर्च भी डाला है तेल में। आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने प्याज को डाल दिया, जिसको मैं बिल्कुल रेडिश ब्राउन करेंगी। इसको रेडिश ब्राउन होने के बाद मैं इसमें, ये देखिए मैंने मसाला पीस लिया है। उसके बाद ये मेरा मेन इंग्रेडिएंट है जिससे ये टेस्ट आता है। ये चने को मैं पीस लूँगी ग्राइंड करके, इसको मैं आखिरी में डालती हूँ। यही मेरा मेन टिप्स है जो इस सब्जी को बहुत टेस्टी बनाता है। आधा फ्राई जब हो जाए ये मसाला, उसके बाद हम इसमें सब्जियां मिलाएंगे। ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब ये मसाले अच्छे से हम फ्राई करेंगे जब तक ये बिल्कुल ब्राउनिश ना हो जाए। साथ में इसमें नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार जो नमक मैं साथ में डाल देती हूँ, क्योंकि टमाटर अच्छे से पक जाता है तो कच्चापन रहता है। अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये आधा पक जाए तो हम इसमें सब्जियाँ डालेंगे। अब इसमें मैं सब्जियां डालूंगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना इसका कलर। सब्जियों को डाल के मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, इसका अलग ही महक आ जाता है भूनने के बाद। अब ये जब पक जाए लगभग, तो मैं इसमें वो मेन जो
हमारा इंग्रेडिएंट है जिससे ये फ्लेवर आता है सब्जी में, वो मैं डाल देती हूँ चने को जो मैंने ग्राइंड किया था, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और इसे फुल आँच पर नहीं करेंगे क्योंकि ये नीचे लग जाएगा, तो इसे कम आँच पे ही करेंगे, कम और थोड़ा तेज ऐसे करके करेंगे। आप देख पाइएगा बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। देखिए आधा फ्राई हो रहा है इसमें, देखिए कितना है अच्छा लग रहा है देख के ही। इसमें मैं पानी डालूंगी जब ये अच्छे से हो जाए, देखिए सट रहा है ये नीचे, उसके बाद कम और तेज करके इसको हम अच्छे से पकाएंगे। इसकी महक बहुत अच्छी आने लगेगी जैसे पक गया है पूरी तरह। अब मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी हाथों से क्रश कर, और ये मेरा आखिरी स्टेप है कसूरी मेथी डालने के बाद। मैं आपको बता दूं अगर आप मसाले ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें सब्जी मसाला थोड़ा डाल सकते हैं, हम थोड़े मसाला कम खाते हैं इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला इसमें ऊपर से, आप डाल सकते हैं कोई इशू नहीं है। और लास्ट में गुड़ा अगर गर्म मसाला है वो भी थोड़ा डाल सकते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ थोड़ा कम ही मसाला खाना, तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला, जो आपके सामने मैंने डाला बस वही है। और सच बताऊँ काफ़ी टेस्टफुल बना था ये सब्जी, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो जब भी बोलते हैं तो मैं यही बनाती हूँ। इसके और भी तरीके हैं बनाने के लिए, लेकिन ये तरीका अगर आप बनाते हैं तो इससे आप चावल पराठे मस्त, आप बहुत टेस्टी लगेगा खाने के लिए, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए मेरी बात मानकर। अब थोड़ा पकने देंगे, आलू वगैरह पक जाए तो ये हमारा सब्जी तैयार है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए गाइस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और बहुत सारी रेसिपी मैं और भी दिखाऊंगी जो भी मुझे अच्छा मैं बनाती हूँ, जो मुझे लगता है जो सच में आप बनाओगे तो टेस्टी लगेगा, तो मैं बहुत तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। ये जब अच्छी तरह बॉईल हो जाए तो बहुत ही अच्छा थिक शो होता है। चलिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।